बर्ड्स की आपको आवाज़ आ ही रही होगी हर जगह, बर्ड्स ची 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 ची, जो आपको मतलब आप मिस करते हो। मॉर्निंग में पहले हम जब छोटे थे, जब उठते थे तो पक्षियों की आवाज़ आती थी। अब हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके, आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। सो दिल्ली का मौसम भाई आज बदल गया, दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, सो आज मौसम में बहुत सारे चेंजेस हैं, मतलब बारिश होने लग रही है। सो अच्छी वाली बारिश पड़ रही है फिलहाल, देखो मस्त वाला मौसम हो गया। एंड भाई इस मस्त मस्त मौसम के साथ मस्त मस्त प्लानिंग करने का मन कर रहा। सो आज कहाँ जाओगे? सुंदर नर्सरी। क्या करोगे वहाँ पे? मेरे पीछे रखी है ना मेरी जीप, वो चलाऊंगा। तो आपके लिए कौन लाया ये? कौन लाया ये? तो इसे इतना मतलब स्कूल से लिया मैंने, इसे ऐसा सरप्राइज हो रहा है, ये क्या ले आए, ये क्या ले आए? गाड़ी देखते ही खुश। तो वहाँ चलाओगे? आपको मजा आता है इसको चलाने में? हा? बोलो ना। हाँ, हाँ। और क्या करोगे फिर वहाँ पे? मैं करूंगा। क्या? खेलूंगा, कूदूंगा, खाऊंगा। खाऊं? आज तो भाई बहुत भीड़ है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, तीन चार बसेस हैं। जैम होगा या क्या होगा अंदर, देखने वाली बात होगी। भाई कितने सारे बच्चे हैं, छह सात बसेस हैं, छह सात क्या ज्यादा बसेस हैं। ये शायद सब सुंदर नर्सरी घूमने आए हैं, लोकल दिल्ली का वो है कोई स्कूल ट्रिप, उसकी वजह से भीड़ है। अंदर जाके देखते हैं कैसा ये एंट्रेंस है सामने सुंदर नर्सरी की, आपने बहुत बार देखी होगी मेरे ब्लॉग्स में। टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं। गाड़ी का गेट नहीं, वैसे ही आप बैठ जाओ ना ऊपर चढ़ के। होल्ड माय हैंड, गेट खोलो। गेट खोल दे भाई इसका, बिना गेट खोले बैठेगा नहीं है। जाओ ये, अब इसको पूरे पार्क में घुमाएगा, अंदर लेके जाओ पहले। इसका रिमोट मंगवाता हूँ, मस्त एंजॉय करता है। इसके व्हील्स इसने ना दोनों तरफ के पीछे के खुल गए, इसके व्हील्स देखो, ये व्हील्स खुल गए इसके। सो इस पार्क की मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, इसकी हिस्ट्री बागे अजीम या अजीम बाग के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। मुग़ल काल का जो मुग़ल एरा था उसमें बना था ये पार्क, और जो हुमायूं टॉम है उसके जस्ट बिल्कुल एडजेसेंट है, बिल्कुल बराबर में। पहले इसके सामने से ही जीटी रोड जो था, जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था, वो इसी के सामने से निकलता था, उसके बराबर में बनाया गया था ये। और 90 acres मतलब 36 hectares के करीब ये लैंड है जिस पे ये सारा पार्क बनाया गया, और आगे इसको एक्सटेंड करने का प्लान है कि करीब 900 acres कर एरिया इसमें कवर कर लिया जाए, जो आसपास की ज़मीनें हैं उसको इसमें मर्ज कर दिया जाए। सो आगे का फ्यूचर प्लानिंग है ये, एंड अभी तक का तो यही हिस्ट्री है इसकी, और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ। और अभी जो है ये ट्रस्ट के अंडर में आता है, 2027 में ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, कैसा रहता है पार्क। बट अभी तो बात बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है।
और ये जितनी भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हो यहाँ पे बनी हुई, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ चुकी हैं। और जो इनके पास आप ये वाइट कलर का एक पोल देख रहे हैं, मेरी फिंगर जहाँ पे, ये वाला पोल जो देख रहे हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आगे लगता है यूनेस्को की तरफ से। सो इसमें 5 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, मतलब ये बेसिकली ये आता है और उनको भी इसी में ही काउंट किया गया है। सो बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है इसकी और बहुत ही सुंदर पार्क है बेसिकली ये। तो आप भी आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं पे इंजॉय करने आता हूँ मोस्टली, एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है यार यहाँ। ये देखो सबसे बड़ी बात, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये हर जगह से। थोड़ा सा ये पत्ते अभी टूटे होंगे इस पेड़ के, तो ये साफ़ करने के लिए ये भी इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि कोई इधर उधर नहीं फैले हुए। देखो और सामने तो देखो चारों तरफ ग्रीन ग्रास गार्डन है और पेड़ हैं बहुत सारे। और इसमें ये बताते हैं करीब 20,000 पक्षी, मतलब जो वो हैं बर्ड्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड हैं, 20,000 के करीब वो सारे हैं। और बहुत सारे करीब 2,500 तरीके के प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं यहाँ। हर चीज़ के ऊपर हर जगह मेंशन किया हुआ है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे हर प्लांट के ऊपर, हर ट्री के ऊपर उसका नाम मेंशन किया हुआ। मैं उठूँगा अभी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या मेंशन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात अंडर CCTV है सारा, और हर जगह आपको गार्ड मिलेंगे, यहाँ पर कोई भी बदतमीज़ी नहीं कर सकता और बहुत ही अच्छा है। बर्ड्स की आपको आवाज़ आ ही रही होगी हर जगह, बर्ड्स ची 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 ची, जो आपको मतलब आप मिस करते हो मॉर्निंग में। पहले हम जब छोटे थे, जब उठते थे तो पक्षियों की आवाज़ आती थी, अब वो आवाज़ आपके घर के बराबर में नहीं आती। घर पे जब उठते हैं आप सुबह तो वो नहीं आती, क्योंकि इतने टावर वगैरह इतने लग गए हैं तो ये बर्ड्स इतने ही नहीं रह गए हैं, बट कबूतर हैं। बट यहाँ पर आपको लोकल, जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी इनकी साउंड, इनकी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, आप मेरे पीछे मेरे बैकग्राउंड में वो सारी आवाज़ सुन रहे होंगे। आप दिखा भी सकता हूँ, मैं इन ट्रीज़ पे मैं बिल्कुल शांत बैठूँगा और आपको आवाज़ सुनवाऊँगा। देखो कौए भी बोल रहे हैं, चिड़ियाँ भी बोल रही हैं। हर ट्री पे ऐसे नाम लिखा हुआ है, इंडियन रोजवुड, शीशम का पेड़ है और इस पे नाम लिख के सुंदर नर्सरी का वो भी लगा हुआ है। सो हर बैज लगा हुआ है, ऐसे मार्किंग करी हुई है कौन सा किसका ट्री है। सो बहुत सारे ट्रीज़ हैं, हर ट्रीज़ पे मार्किंग है दूर से दूर तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे मार्किंग की जाती है। कि आपके साथ खाने के लिए आ रहा है, उसको थोड़ा सा पीस देना, छोटा सा। हाँ देखो वो लेके चला गया ना, धीरे धीरे आएगा, वो लेके चला गया। उसको अच्छा लग रहा है ना समोसा। हाँ वो इजी इजी धीरे, वो दोबारा आएगा। ये इस बर्ड के 3 बच्चे हैं, देखो उन्हें जाके कैसे खिलाती है। देखो और आएगी लेने के लिए और फिर खिलाएगी इन्हें। ये इसके बच्चे हैं, इस वाली के ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये खिला रही है इन्हें। देखो वो खिलाया, सुबह इसकी गाड़ी अंदर रख दी, 3 बंदों की जगह लेती है इसकी एक गाड़ी, पूरी गाड़ी में हमारी। सो यहाँ से निकलते हैं घर। भाई आज बहुत एंजॉय कर लिया इसने, आए इस ब्लॉग को करते हैं फिलहाल यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।